होर तेस टैम यरूशलेम सैहरा मन्झ समौन नांऊँआं रा एक माह्णुं था, होर से माह्णुं धर्मी होर भक्त था, होर से मसीहा रा इंतजार करेया करा था कि से आई किन्हें इज़राइल देशा मन्झ सुख चैन दे, होर पवित्र आत्मा तेस पर था। पवित्र आत्मा तेस जो दसिरा था कि जेबे तक से प्रभु रे मसीहा रा दर्शन नहीं करी लेंगा तेबे तक तेस नहीं मरना। तेस ध्याड़े समौन पवित्र आत्मा ले प्रेरणा पाई किन्हें मंदरा मन्ज आया, होर माऊ बापू तेस बच्चे जो मंदरा मन्ज अंदर ले आए गए कि तेसरे कठे मूसा री व्यवस्था रे रवाजा रे मुताबक करे। तेबे तिन्हें से अपनी गोदा मन्ज चक्या होर परमेश्वरा रा धन्यवाद करी किन्हें बोलिया, हे प्रभु, एबे तू अपने सेवादारा जो वादा कितरा था तेसरे मुताबक शांति किन्हें मरने दे, क्योंकि मैं से उद्धारकर्ता देखी लिया जेड़ा तैं सब लोकां रे कठे उद्धार करने रे कठे भेजीरा, जिस जो तैं सब देशा रे लोकां रे सामने तैयार कीतीरा, इसे अन्य जाति लोकां रे कठे परमेश्वर जो देखने री ज्योति हो, तेरे अपने लोक इज़राइल देशा रे कठे महिमा। और यीशु रे माऊ बापू समौना री ना गल्ला ले जो यीशु रे बारे मन्ज बोली थी हैरान हुए थे। तेबे समौने तिन्हा जो आशीर्वाद दे किन्हें तेसरी माऊ मरियमा किन्हें बोलिया, सुन, इस बच्चे रे बारे मन्ज पहले ले तय करी दितिरा कि इसरे जरिए कई इज़राइल देशा रे लोका परमेश्वरा ले दूर हुई जाना और कईया परमेश्वरा वाले वापस आई जाना और इस लोका जो चतन करने वाले साई होना और कई इसरे बरखिलाफ होने होर तेरा प्राण भी तलवारा रे साई बड़े दुखा किन्ने छिदी जाना, एता ले कई लोका रे दिला रे विचार जाहिर हुई जाने। होर हन्ना नाऊँआं री एक नबण मंदरा मन्ज थी, से आसेरा रे गोत्रा मन्झा ले फनुएला नाऊँआं रे आदमी री मठी थी। से बहुत स्याणी थी होर ब्याह होने ले बाद 7 साला तक अपने लाड़े सौगी रही थी। हन्ना 84 साला ले एक विधवारी जिंदगी जिया कराई थी, होते से हमेशा मंदरा मन्ज रही किन्ने परमेश्वर री राती दिहाड़ी आराधना कीती होर से हमेशा व्रत होर प्रार्थना करती रही थी। होर हन्ना तेसी टाइम मंदरा मन्ज यूसुफ मरियम होर बच्चे वाले आई किन्हें परमेश्वर रा धन्यवाद करदी लगी होर से सभी जो यीशु रे बारे मन्ज दसदी लगी जो परमेश्वर भेजरे मसीहा रा इंतजार कराए थे जिस आई किन्हें यरूशलेम सैहरा रे लोका जो छुटकारा देना। होर जेबे यीशु रे माऊ बापू मूसे रे व्यवस्था रे मुताबक सब कुछ निपटाई चुके ता स्यों गलील जिले मन्ज अपने नासरत गांवां जो दोबारा वापिस चली गए। होर से बच्चा यीशु बढ़दा होर ताकतवर हुंदा होर बुद्धि किन्ने परिपूर्ण हुंदा गया होर परमेश्वर रा अनुग्रह तेस पर था। यीशु रे माऊ बापू हर साल फसह रे साजे मंज यरूशलेम सैहरा जो जांदे रहे थे। जेबे यीशु 12 साला रा हुआ ता स्यों साजे रे रवाजा रे मुताबक यरूशलेम सैहरा जो चली गए। होर जेबे यूसुफ और मरियम तिन्हा ध्याड़ा जो पूरा करी किन्ने वापस घरा जांदे लगे, यीशु यरूशलेम सैहरा मंज रुकी गया होर ये गल तेसरे माऊ बापू नहीं जानदे थे। तिन्हें ये समझा कि से बच्चा बाकी होर यात्रा सौगी होगा। एक ध्याड़े रा सफर खत्म हुआ और स्यों यीशु जो अपने टबरा और जान पहचान वाले लोका मंज तोपदे लगे, पर जेबे से नहीं मिलिया ता तेस जो तोपदे तोपदे स्यों यरूशलेम सैहरा जो वापिस आई गए। और 3 ध्याड़े ले बाद तिन्हा जो से मंदरा रे आंगणा मंज गुरुआ रे बिचो बीच बैठी रे तिन्हारी सुनदे होर तिन्हा ले सवाल करदे मिलिया। और जितने तेसरी सुनिया कराए थे स्यों सब तेसरी समझ और तेसरे जवाबा ले हैरान थे। तेबे यीशु रे माऊ बापू से देखिया ता स्यों हैरान हुए होर तेसरी माऊए तेस किन्ने बोलिया, हे मठे, तैं आसा कि नेड़ा किद्यो कित्या, देख तेरा बापू होर हाँ तुझो तोपदे तोपदे परेशान हुई गए थे। यीशु तिन्हा किन्ने बोलिया, तुसे मुंजो किद्यो तोपया कराए थे, क्या तुसे नहीं जानते थे कि मुंजो अपने बापू रे घरा मंज होना जरूरी आ। पर जो गल यीशु तिन्हा किन्ने बोली स्यों तिन्हा जो नहीं समझी सके। तेबे से तिन्हा सौगी गया और नासरत गांव मंज आया, होर से अपने माऊ बापू रा कहना मन्ना था
होर तेसरी माऊए ये सब गल्ला आपणे मना मन्झ रखी होर यीसू बुद्धि होर कद काठी मन्झ होर परमेसर होर माणुआं रे अनुग्रह मन्झ बढ़दा गया।